अच्छा जी, एचपीएलसी मेथड की वैलिडेशन टॉपिक है। पहले हमने डिस्कशन थोड़ी सी क्लास में की हुई है। एचपीएलसी मैंने आपको दिखाई थी, उसकी वर्किंग सारी क्या होती है, कैसे वर्किंग करता है वो, और इसका जो पर्पज है वो ये है कि हम ड्रग की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं इन प्लाज्मा। स्टार्ट में जो प्रैक्टिकल्स थे उसमें हमने पहले ये प्रैक्टिस की लैब के अंदर, ये कि हम प्लाज्मा में से ड्रग की एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। ये ड्रग के अंदर प्लाज्मा में अगर एक ड्रग या किसी पेशेंट का सैंपल लिया हुआ है और हमें पता है कि इसमें ड्रग ये वाली है, तो उसमें कितने टाइम पे जो सैंपल लिया था उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन, तो उस कंसंट्रेशन को क्वांटिफाई करने के लिए बेसिकली हम एचपीएलसी मेथड यूज करते हैं। एचपीएलसी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, फिर जो मेथड हम बनाते हैं एचपीएलसी के ऊपर, जिस मेथड के थ्रू हमने कंसंट्रेशन फाइंड करने हैं, उस मेथड को वैलिडेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन मीन के आप जो कंसंट्रेशन वो मेथड बता रहा है क्या उतनी ही कंसंट्रेशन उसके अंदर है या कोई और कंसंट्रेशन भी हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक सैंपल है उसके अंदर कंसंट्रेशन 20 मिलीग्राम पर लीटर है और मेथड जो है वो हमें बता देता है कि 100 मिलीग्राम पर लीटर है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इसके अंदर 100 है या 20 है या कितनी, या जो 100 मिलीग्राम इसने बताई है ये ठीक बताई है या गलत बताई है। उसके लिए फिर एक पूरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, हम नॉन कंसंट्रेशन डाल के सैंपल में उसको फिर क्वांटिफाई करके देखते हैं डिफरेंट मेथड्स के, डिफरेंट जो है वो उसका फिर टेस्ट लगाते हैं कि ये कंसंट्रेशन जो है, ये जो हमने कंसंट्रेशन डाली थी सैंपल में वो कितनी है और जो हमें ये मेथड बता रहा है वो कितनी है, और उसमें हमारे लिए कितनी जो रेंज है वो एक्सेप्टेबल है, कि अगर इसमें वेरिएशन कितनी ज्यादा है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हम कहेंगे कि हाँ ये मेथड ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक 20 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है और मेथड उसको 21 बता रहा है या 22 बता रहा है या 18 या 19 जितनी भी बता रहा है, तो वो हम कहेंगे कि ये ठीक है, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन तो फाइंड नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, अगर एक ही सैंपल को हम 2-3 दफा रन करेंगे उसमें भी जो कंसंट्रेशन आएगी वो भी वेरी करेगी। ठीक है, डिफरेंट आएगी। प्लस आज का जो काम है कि हमने एक सैंपल रन किया, एक कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किया और उसी कैलिब्रेशन कर्व को यूज करके उसी सैंपल की कंसंट्रेशन देखी, तो वो भी डिफरेंट आती है। तो वैलिडेशन क्या है बेसिकली, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको ना प्रेजेंटेशन? डिस्प्ले पे आ रही है प्रेजेंटेशन? यस। अच्छा, ठीक ठीक है। अच्छा जी, वैलिडेशन ऑफ एचपीएलसी मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, एचपीएलसी मेथड ये डिस्कस कर चुके हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम इसको कर चुके हैं पहले। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर पार्शियल पार्टीशन बिटवीन एन एडसॉर्बेंट, ये उसकी जो ये सारा उसका लेआउट है, कार्बन बॉटल्स हैं, ये आपके प्रैक्टिकल की कॉपी पे भी लगाई होगी इस तरह की फिगर। एनालिटिकल मेथड क्या होता है? एनालिटिकल तकनीक इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड और ए केमिकल एलिमेंट। कि कंसंट्रेशन एक हमारे पास अगर एग्जांपल आ गया तो उसमें कितनी कंसंट्रेशन है उस कंपाउंड। ठीक है, मेथड वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द सूटेबिलिटी ऑफ ए गिवन मेथडोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल एनालिटिकल डाटा। कि जो मेथड हमने डेवलप किया हुआ है क्या वो सूटेबल भी है या नहीं है फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन। मेथड वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेमोंस्ट्रेटिंग दैट एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर सूटेबल फॉर देयर इंटेंडेड यूज एंड दैट दे सपोर्ट द आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। इसमें हम सिर्फ ड्रग की कंसंट्रेशन को ही फाइंड नहीं करते, हम इसमें हम ड्रग की स्टेबिलिटी को भी फाइंड करते हैं, ड्रग उस प्लाज्मा के अंदर स्टेबल है भी या नहीं है। अच्छा, वैलिडेशन इज प्राइमरी कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन। माइक्स ऑन करवा दें, आवाज नहीं क्लियर आ रही। जी जी, दानियाल कुछ पूछ रहा था। दानियाल पूछ रहे थे कुछ या नोनो सर? मैंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा अच्छा, अदनान रहमत कह रहा था कि माइक बंद करवा दें। अच्छा, माइक मैं वही मैंने म्यूट कर दिया सबको, ये हो गए बंद सारे। अब मेरे ख्याल में सारे बंद हो गए।
ठीक है। अच्छा आइडेंटिफिकेशन, जिसने बात करनी हो वो अपने माइक को अनम्यूट कर ले, लेकिन बिला जरूरत ना कीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल एरर्स एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल एरर्स इन द मेथड। कि एक तो सोर्स क्या है पोटेंशियल जो एरर आ रहा है, कि हम ड्रग कंसंट्रेशन डाल कुछ रहे हैं और कंसंट्रेशन आ कुछ और रही है, ठीक है। फिर ये है कि उसको हमने किस तरह पोटेंशियल एरर जो है क्वांटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल, वो कितना एरर आ रहा है, वो जो एरर आ रहा है क्या वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं है। इट डिस्क्राइब्स द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसे इन मैथमेटिकल एंड क्वांटिफाइएबल टर्म, ठीक है। ये खैर जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इसका। किस तरह के मेथड्स की वैलिडेशन की जरूरत होती है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स HPLC है, GCMS है, TLC है, LCMS है, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक मेथड है, UV विजिबल है, इंफ्रारेड है, NMR है, ठीक है। फिर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स हैं, पार्टिकल साइज एनालाइजर्स हैं। गाइडलाइंस अभी तक जो है वो तीन मेजर गाइडलाइंस हैं, FDA, ICH और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी गाइडलाइंस। कि ये इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर आपने किसी मेथड को वैलिडेट करना है तो आपने कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है, उस टेस्ट का प्रोटोकॉल क्या है और उसका एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है, कि किस तरह आपने टेस्ट परफॉर्म करना है और उसमें किस तरह के रिजल्ट्स आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अगर वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल है इसका मतलब है कि आपका मेथड जो है वो सूटेबल है फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पज। अगर वो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे, आपके टेस्ट प्रोटोकॉल्स पे पूरा नहीं उतर रहे, तो फिर वो आपका मेथड जो है वो सूटेबल नहीं है। तो वैलिडेशन में जो पैरामीटर्स हम नॉर्मली करते हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे हैं, लेकिन अभी इस सेशन में हम यानी इस जो जो इस साल वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें सिलेक्टिविटी, कैलिब्रेशन कर्व, लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, कैरी ओवर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और स्टेबिलिटी, ये इनकी हम वैलिडेशन की कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्टिविटी क्या है। सिलेक्टिविटी एटलीस्ट 6 इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ द अप्रोप्रिएट ब्लैंक मैट्रिक्स। आपने फॉर एग्जांपल वैनकोमाइसिन का एनालिसिस करना, ठीक है। आप एक सैंपल के अंदर वैनकोमाइसिन डालते हो और उसको आप एक्सट्रैक्शन करते हो और उसको आप रन करते हो और वैनकोमाइसिन की एक पीक आ जाती है, ठीक है। फिर उसी मैट्रिक्स के आप डिफरेंट यानी मैट्रिक्स प्लाज्मा जिसमें आपने कर रहे हैं या सीरम है, उसी तरह के मैट्रिक्स आप 6 डिफरेंट सोर्सेज से प्लाज्मा लोगे, यानी 6 डिफरेंट इंडिविजुअल्स का प्लाज्मा, ठीक है। और वो प्लाज्मा लेके आप उसको उसी तरीके से रन जो प्रोसेस करोगे जिस तरह आप एक्सट्रैक्शन करते हो, जिस तरह हम लैब में कर चुके हैं एक्सट्रैक्शन 2-3 तरीकों से। जिस मेथड से आपने वैनकोमाइसिन वाले सैंपल को एक्सट्रैक्शन की, उसी मेथड से आपने 6 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द प्लाज्मा सैंपल को एक्सट्रैक्शन कर, ठीक है। इंडिविजुअली एनालाइज्ड एंड वैल्यूएटेड फॉर इंटरफेरेंस, कि उनको आपने फिर रन करना है बार बार और उन सबके क्रोमेटोग्राम्स को देखना है और फिर ये देखना है कि जिस टाइम के ऊपर उस ड्रग की पीक आ रही है उस टाइम के ऊपर प्लाज्मा ब्लैंक प्लाज्मा में क्या आ रहा है। अगर तो उस टाइम पे भी कोई और पीक आ रही है ब्लैंक प्लाज्मा में भी, इसका मतलब ये है कि ये मेथड आपका सिलेक्टिव नहीं है उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए जिस ड्रग का आपने एनालिसिस कर, ये किसी और ड्रग को भी एनालाइज कर रहा है या प्लाज्मा के अंदर किसी कंपोनेंट को उस टाइम के ऊपर जो है वो पीक दे रहा है। किसी और टाइम पे अगर पीक दे रहा है तो वो दैट इज फाइन। कि अगर एक पेशेंट है उसको आपने वैनकोमाइसिन चेक करना है और वो साथ ओमेप्राजोल ले रहा है, पैरास्टामोल ले रहा है, लेकिन ओमेप्राजोल की पीक किसी और टाइम पे आ रही है, पैरास्टामोल की पीक किसी और टाइम पे आ रही है, वैनकोमाइसिन वाले टाइम पे नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपका मेथड वैनकोमाइसिन के लिए सिलेक्टिव है। तो सिलेक्टिविटी आपके मेथड की ठीक है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स देख रहे हैं, सपोज के उस जिस जगह के ऊपर वैनकोमाइसिन की पीक आ रही है उस जगह पे कोई छोटी सी पीक आ रही है, थोड़ा सा आपको एक जो है ना वो एक बम सा नजर आ रहा है, तो उसके लिए फिर क्या क्राइटेरिया है कि वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसको हम सिलेक्टिव कहेंगे या नॉन सिलेक्टिव कहेंगे। तो उसमें फिर ये क्राइटेरिया है कि रिस्पॉन्स शुड बी लेस देन 20% ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन अभी हम करेंगे कि लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन क्या होती है, कि वो सबसे लोएस्ट लेवल इन द कैलकुलेशन कर्व जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। एक लिमिट ऑफ डिटेक्शन होती है कि जो डिटेक्ट हो रही होती है जिसमें पीक शो करता है वो, लेकिन उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है। लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन वो होती है कि जो पीक शो कर रहा हो और उस पीक को आप क्वांटिफाई भी कर सकते हो कि ये इसके अंदर इतनी कंसंट्रेशन है। तो जो लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल एक मेथड है उसकी लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन 1 mg/L है, तो 1 mg/L की जितनी पीक आती है उससे 20% से कम अगर पीक है उस टाइम के ऊपर, पीक का साइज उस टाइम पे 20% से कम है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल है, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। लेकिन अगर 20% से ज्यादा है इसका मतलब है कि वो
इंटरफेयर कर रहा है और आपका मेथड उस ड्रग के लिए सिलेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसी टाइम के ऊपर जब आपने ब्लैंक प्लाज्मा रन किया था तो कोई और चीज भी आ रही है। इसका मतलब है कि मेथड जो है वो आपका सिर्फ वैनकोमाइसिन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है जो एक एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक ब्लैंक प्लाज्मा का क्रोमेटोग्राम है। ठीक है, ये 7 मिनट्स के ऊपर थोड़ा सा एक कोई चीज आई है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ नहीं है इसमें और। ठीक है, ये वैनकोमाइसिन की पीक है इसके ऊपर। अब ये 9.1 मिनट के ऊपर वैनकोमाइसिन की एक बड़ी अच्छी खूबसूरत पीक आई है। अब जब हम बाकी एक, अभी हमने सिर्फ एक प्लाज्मा रन किया ना, और उसमें इस टाइम के ऊपर बिल्कुल नीचे ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है आपको, कोई पीक नहीं है इधर। अगर हम बाकी 6 सैंपल और भी रन करेंगे इसमें, क्योंकि एक का ही रिजल्ट दिया हुआ है, अगर हम बाकी 6 प्लाज्मा सैंपल रन करते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब है कि आपका ये मेथड वैनकोमाइसिन के लिए स्टेबल है, सिलेक्टिव है, कि ये सिर्फ वैनकोमाइसिन की पीक दे रहा है अपने टाइम के ऊपर, इसके अलावा कोई और पीक नहीं दे रहा। फिर सिलेक्टिविटी में हमने एक और चीज का भी ख्याल रखना होता है कि एक ड्रग अगर जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, नॉर्मली उसके साथ कोई और भी ड्रग्स दी जाती हैं, तो ये हो सकता है कि जिस पेशेंट का आपने सैंपल लेके एनालिसिस करना है वो साथ और भी ड्रग्स ले रहा है, तो वो वाली ड्रग इसके साथ इंटरफेयर तो नहीं कर रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैनकोमाइसिन के साथ अगर कोई पेशेंट मेरोपेनम ले रहा है, इमीपेनम ले रहा है, तो वो उन ड्रग्स की पीक कहाँ पे आती है? उन ड्रग्स की पीक अगर तो किसी की 12 मिनट्स पे आ रही है, किसी की 11 मिनट पे आ रही है, इसके बाद आ रही है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी ड्रग की, उनमें से भी किसी ड्रग की पीक भी 9 मिनट पे आती है, तो इसका मतलब है कि ये मेथड ठीक नहीं है आपका। फिर इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसकी पीएच को चेंज करके मोबाइल फेस की, या सैंपल प्रिपरेशन के मेथड को चेंज करके इसकी पीक को आगे पीछे करना पड़ेगा और इसको सिलेक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जी पॉइंट क्लियर है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पीक आ रही है, जो नेक्स्ट आ रहा है वो वैनकोमाइसिन, ये फिर मेरोपेनम का सैंपल रन हुआ है, तब मेरो, ये दोनों इकट्ठे आ गया, मेरोपेनम और इमीपेनम। ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये मेरोपेनम की है, तो ये देखा कि मेरोपेनम की भी इस टाइम पे कोई पीक नहीं आ रही, और ये शायद 12 मिनट के बाद कहीं जाके आती होगी, ये 12 मिनट तक का रिजल्ट है। ठीक है, इमीपेनम की पीक इस टाइम पे आ रही है, यानी 10 मिनट्स के बाद है, और ये पीक भी इसकी ठीक नहीं है, लेकिन हमारा ये कंसर्न नहीं है, हम इमीपेनम को क्वांटिफाई नहीं कर रहे इस मेथड में, हम सिर्फ वैनकोमाइसिन को कर रहे हैं। फिर हमने ये देखना है कि ये वो वाली पीक्स हैं जो हमने खुद प्लाज्मा में ड्रग डाल के तो उसको चेक किया था। ठीक है, हमने खुद ही एक प्लाज्मा लिया, उसके अंदर ड्रग डाली, डाइल्यूशन बनाई और फिर उसको चेक किया। फिर इसमें हमने एक पेशेंट के सैंपल को भी रन करके देखना होता है कि एक्चुअल जो पेशेंट है, जो जिसने ड्रग ओरल, जिसने जिसको ड्रग एडमिनिस्टर की थी और उसके प्लाज्मा सैंपल लिया हमने, तो उसमें पीक कहाँ पे आ रही है? तो ये एक वैनकोमाइसिन वाले सीरम सैंपल लिया, किसी पेशेंट को वैनकोमाइसिन दी हुई थी और उसका सैंपल लिया, और उसके अंदर जब रन किया तो उसकी पीक भी सेम टाइम के ऊपर आ रही है, जिस टाइम पे वैनकोमाइसिन की पीक आ रही है। ये पीक आज छोटी है क्योंकि ये उसके अंदर कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कम है, लेकिन पीक उसकी भी एग्जैक्ट उसी शेप की और उसी टाइम पे आ रही है। इसका मतलब है कि ये मेथड जो है ये वैनकोमाइसिन के लिए सिलेक्टिव मेथड है। ठीक है, इसे कहते हैं कि ये सिलेक्टिविटी है। एक तो ये कि प्लाज्मा के किसी कंपोनेंट के साथ इंटरफेरेंस नहीं है, इस टाइम पे कोई कंपोनेंट अपीयर नहीं हो रहा। दूसरा, जो नॉर्मली को एडमिनिस्टर ड्रग्स होती है उनमें से भी किसी की पीक इस टाइम पे अपीयर नहीं होती, तो इसको हम कहेंगे कि ये सिलेक्टिविटी आपकी मेथड है। अगर सपोज यहाँ पे कोई छोटी सी पीक आ भी रही होती थोड़ी सी, तो उसके लिए फिर ये वाला क्राइटेरिया कि अगर तो उस पीक का एरिया इतना कम है कि जो उसका सबसे लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है उससे 20% तक कम है, यानी सपोज कि अगर लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन का एरिया 100 होता है, तो ये अगर 18 है या 15 है, तो फिर ये इसका मतलब है कि ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो 30-40 है उसका एरिया, तो इसका मतलब है कि ये फिर रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर करेगा, कि हमें मेथड को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा, दोबारा मेथड के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये वैनकोमाइसिन की एक और पीक भी है, इसका क्या मतलब है? सॉरी सर, ये वैनकोमाइसिन की एक स्मॉल पीक भी है, इसका क्या मतलब है? एक लार्ज और एक स्मॉल है। जो लार्ज पीक है ये रेड कलर की है ना, ये वो सर वाली रेड में छोटी भी है, रेड में छोटी पीक है। अच्छा, इससे पहले जो आ रही है
यस सर बड़ी पीक से पहले जो ये खैर कोई कंसर्न नहीं होता बड़ी पीक के नीचे जो असल काम हमारा ये इस पीक का है कि ये पीक अगर क्लियर है अगर ये पीक इसके साथ मर्ज कर रही होती तो फिर प्रॉब्लम होनी थी लेकिन क्योंकि ये पीक खत्म हो गई इसके बाद नई पीक शुरू हो रही है तो इसका एरिया जो है वो सिर्फ इसी पीक का एरिया हो तो ये इससे पहले रेड कलर में जो आ रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हो सकता है कि वैंकोमाइसिन सर इसका मतलब क्या है ये हो सकता है कि वैंकोमाइसिन की ही कोई इम्प्योरिटी हो या उस वैंकोमाइसिन के अंदर कोई एक्सीपिएंट ऐसा हो इसकी पीक आ रही है ठीक है तो वो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चीजें रूल आउट हो जाती है वैलिडेशन ठीक है असल कंसर्न हमारा ये 9 मिनट से आगे पीछे कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे चाहे जो अब ये आपको नजर आ रहा है पकड़ा ये 6 मिनट्स के बाद स्टार्ट हो रहा है ये प्रोग्राम इससे पहले वो मैंने नहीं शो किया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गन था उसमें बहुत ज्यादा इस तरह की बड़ी बड़ी पीक्स थी वो सारी की सारी पीक्स प्लाज्मा की थी ठीक है तो इसलिए सिलेक्टिविटी के लिए हमने सिर्फ उसी पीक को फोकस करना है जो कि उस हमारे एनालाइट ये हमारा एनालाइट इसमें वैंकोमाइसिन ठीक है अब आ जाता है कैलकुलेशन कर्व प्रोटोकॉल क्या है कैलिब्रेशन कर्व का मिक्स अ मिनिमम ऑफ 6 कैलिब्रेशन कंसंट्रेशन लेवल्स शुड बी यूज्ड इन एडिशन टू ब्लैंक प्लाज्मा जीरो सैंपल अब ये ब्लैंक प्लाज्मा सैंपल और जीरो सैंपल में क्या डिफरेंस होता है ये बोर्ड के ऊपर ही हो तो फिर ही बताते हैं इस चीज का कर इसका मतलब ये है इस लाइन का कि आपने 6 लेवल बनाने हैं जब हम क्लास के अंदर कैलिब्रेशन कर्व बनाया था उसमें मेरे ख्याल 36 60 मिलीग्राम से स्टार्ट करके 30 10 20 या 5 1 इस तरह करके हमने 6 डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाई तो अ मिनिमम 6 कंसंट्रेशन लेवल्स शुड बी यूज्ड इन एडिशन टू ब्लैंक प्लाज्मा वो है कि जिसमें हमने कोई ड्रग नहीं डाली ठीक है एंड जीरो सैंपल भी वही होता है कि जिसके अंदर हमने कोई ड्रग नहीं डाली सर आप सबके माइक म्यूट कर दें प्लीज सर बच्चे रो रहे हैं माइक ठीक है जी बच्चे भी रो रहे हैं और अच्छा म्यूट कर दिया जी सबको ब्लैंक प्लाज्मा वो होता है कि जिसमें आप जिस तरह ये मेथड में हमने किया था सिर्फ वैंकोमाइसिन का एनालिसिस कर रहे थे जो जीरो सैंपल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से होता है कि जी नॉर्मली हम साथ एक इंटरनल स्टैंडर्ड भी यूज करते हैं वो थोड़ा सा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि समटाइम्स हम एक ड्रग जो है वो वैंकोमाइसिन फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस कर रहे हैं साथ हम एक और ड्रग भी ऐड कर देते हैं और उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं पूरी कैलिब्रेशन कर्व में यानी उसका जो एरिया ऑफ पीक है वो सबके अंदर सेम ही रहना चाहिए उसकी कंसंट्रेशन सपोज हम 10 मिलीग्राम डालते हैं तो 60 मिलीग्राम वैंकोमाइसिन वाले में भी वो 10 मिलीग्राम डाला होगा और 0.5 वैंकोमाइसिन वाले में भी 10 मिलीग्राम ही डाला होगा उसमें फिर एंड पे हम जो पैरामीटर यूज करते हैं कैलिब्रेशन कर्व को प्लॉट करने के लिए वो फिर इन दोनों की पीक्स का रेशियो यूज करते हैं उसका फायदा ये होता है कि अगर किसी मेथड सैंपल बनाने में कोई थोड़ा बहुत कोई वेस्ट हो गया सैंपल तो अल्टीमेटली रेशियो जो है वो सेम ही रहेगी कि अगर वैंकोमाइसिन वेस्ट हुई है तो साथ जो इंटरनल स्टैंडर्ड है वो भी तो वेस्ट हुआ है ना तो उनका रिलेटिव रेशियो जो है वो सेम ही रहेगी तो जीरो सैंपल वो होता है कि आपका माइक में थोड़ा वो आवाज मुझे सब लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपने ये किया कि जी समझ नहीं आई ठीक है इंटरनल स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हम अगर वैंकोमाइसिन को देख रहे हैं अच्छा चलें आगे जाके इसको जब हमें कैलकुलेशन में आगे शायद थोड़ी समझ आ जाए तो अभी सिर्फ ब्लैंक प्लाज्मा का मतलब ब्लैंक सैंपल का मतलब ये है कि जिसमें कुछ भी नहीं डला हुआ जीरो सैंपल का मतलब है कि वो वाला सैंपल जिसमें हमने इंटरनल स्टैंडर्ड डाला था लेकिन वो ड्रग नहीं डाली थी जिसको एनालिसिस कर रहे वैंकोमाइसिन नहीं डाली थी इंटरनल स्टैंडर्ड डाला था तो वो जीरो सैंपल है इसको भी फिलहाल आप इग्नोर करते हैं ये कैलकुलेशन में शायद ये हो जाएगी ईच कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड कैन बी एनालाइज्ड इन रेप्लिकेट्स इनके एक कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड आपने बनाया आपने 6 सैंपल बनाए और उनको आपने रन किया उनको आपने सिर्फ एक दफा रन करके उसके ऊपर मुतमइन नहीं हो जाना कि ये ठीक है उसको एटलीस्ट आपने 5 times रन करना ठीक है द कैलिब्रेशन कर्व पैरामीटर्स शुड बी रिपोर्टेड स्लोप एंड इंटरसेप्ट इन केस ऑफ लीनियर फिट कि स्लोप और उसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का जो इक्वेशन है वो आपने इक्वेशन रिपोर्ट करनी है कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं द बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स शुड बी विद इन प्लस माइनस 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यूज
except for LLOQ, which is which for which it should be within 20%. At least 75% of the Kelvin standards with a minimum of 6 Kelvin standard level must fulfill this criteria. ये सारी चीजें इसको आप स्क्रीनशॉट लेके साइड पे रख लें या इसको याद रख लें. ये जो दो पॉइंट्स है लास्ट, बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन. आज बेसिकली हमने यही करना, बैक कैलकुलेशन. ठीक है, अगर टाइम नहीं ज्यादा दी क्योंकि ये 40 मिनट का सेशन है. मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर इसको परफॉर्म करने के लिए. ठीक है जी, तो एक्सेल की शीट खोलते हैं जी. ये एक्सेल की शीट आ गई, इसमें मैंने पहले ही डाटा सेट बना के रखे हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5 डाटा सेट्स हैं. ये एक्सेल नजर आ रहा है आपको? यस सर. जी सर आ रहा है. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम पहले वाले जो डाटा है इसमें 6 कंसंट्रेशन लेवल्स हैं, 60, 30, 10, 1.5 और 0.25. ठीक है, ये कंसंट्रेशन हैं और ये उनके अकॉर्डिंगली पीक एरियाज हैं. ठीक है, जो पीक का एरिया आया, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका एरिया भी ज्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसका एरिया भी कम. और इसमें हमने कोरिलेशन देखनी है, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. तो ये आपको पहले पता है कि हमने इसके ऊपर किस तरह करना है. इंसर्ट में जाके इसको इंसर्ट, ये आ गई इसकी कैलिब्रेशन कर्व, स्ट्रेट लाइन है. अब इसके ऊपर हमने इसकी इक्वेशन प्लॉट करनी है और इसकी आर स्क्वायर वैल्यू ऐड करनी है. ठीक, इसके ऊपर लाके क्लिक करके राइट क्लिक करें, ऐड ट्रेंड लाइन. ऐड ट्रेंड लाइन के बाद ये नीचे ऑप्शन है डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट एंड डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू. अब सबसे पहली जो चीज देखने वाली है कि आर स्क्वायर वैल्यू क्या है इसकी, 0.998. अगर तो ये 0.998 तक हो तो फिर ये एक्सेप्टेबल है. ये 0.998 है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा ये कैलकुलेशन कर रहा है. आर स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसके कोरिस्पॉन्डिंगली ही उसका एरिया चेंज हो रहा है. ठीक है, अब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन भी ऊपर आ गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. एम की वैल्यू इसने बताई है 91.5.2, बी की वैल्यू बताई है 1181.4. बी क्या है इसका? वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे इस लाइन ने किस जगह पे इसको क्रॉस करना था. और एम क्या है? इस लाइन की स्लोप, जो कैलकुलेट करनी आती है आपको पहले ही, वाई इज इक्वल जो जो y2 - y1 over x2 - x1, ये वही वाली क्वेश्चन. अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. बैक कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? अब हमारे पास एक लिनियरिटी आ गई, एक इक्वेशन भी आ गई. इस इक्वेशन को यूज करके हम अननोन कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं. ये वाली इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. ठीक है, इसमें अगर हमारे पास m और b की वैल्यू हो और y और x में से एक वैल्यू हो तो दूसरी हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इसमें m भी आ गया हमारे पास, b की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी है हमारे पास. इस केस में तो y भी है और x भी है. लेकिन अब अगर हम, हमें नहीं पता कि ये जो एरिया आया है ये कितनी कंसंट्रेशन का था, अभी हमने इसको 60 मिलीग्राम से रन किया ना, अब हम ये देखेंगे कि इस एरिया को यूज करके यही वाला कैलिब्रेशन कर्व हमें कितनी कंसंट्रेशन बताता है. अगर तो वो 60 ही बता रहा है इसका मतलब है कि ये ठीक है मेथड. लेकिन अगर वो कुछ और कंसंट्रेशन बताता है तो फिर ये मेथड ठीक नहीं है. इसको कहते हैं कि ये बैक कैलकुलेशन है. सेम एरिया को यूज करके आपने कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किया और उसी एरिया को यूज करके आपने उसके कंसंट्रेशन कैलकुलेट की. ठीक है, बैक कैलकुलेशन आई. अब यहाँ पे हम लिखते हैं m की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे b की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन. ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज के जो कंसंट्रेशन इस वाली इक्वेशन ने हमने दी है वो कितने परसेंट है एक्चुअल कंसंट्रेशन. एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या थी उस सैंपल की? 60 मिलीग्राम पर लीटर. m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9.9155, इतना इसको राउंड फिगर ही रहने दे. b की क्या है? 1181. अब हमने ये वाली इक्वेशन बेसिकली इसके अंदर पुट करनी है. अब इसमें हमारे पास y की वैल्यू है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू y माइनस b डिवाइडेड बाय m. ठीक है जी,
ऐसे ही बनेगी ना इक्वेशन ये वाली, पेपर के ऊपर आप लिख के एक दफा देख ले। जी कोई एक बता दे, ठीक है? यस सर, ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है इसी इक्वेशन का, ठीक है? अब हमने एक फार्मूला लगाना, आपको पता है, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है? यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली एक्स की वैल्यू होगी। एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई माइनस बी, पहले ब्रैकेट स्टार्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें। वाई क्या है यहाँ पे, ये डाटा है, ये पीक एरिया है, ये वाई एक्सिस पे एरिया आ रहा है ना, तो ये वाई माइनस बी की वैल्यू ये है, बी ब्रैकेट को क्लोज करें, डिवाइडेड बाई एम, ये एम है, और इसको आप 60.13, हमने 60 मिलीग्राम डाली और इसने हमें एग्जैक्ट 60 नहीं बताई, ठीक है? इसका मतलब है कि ये उसी एरिया को भी अगर हमने कैलकुलेट किया है तो बैक कैलकुलेशन से थोड़ी बहुत वेरिएशन आ गई इसमें, ठीक है? अब यही वाली इसकी अब हमने परसेंटेज देखनी है कि कितने परसेंट बताया। परसेंटेज तो आपको सिंपल पता है कि जी परसेंटेज इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 100.219, ठीक है? इसको हम टू डिजिट तक कर लेंगे, वन तक कर, तो भी हम वन डिजिट, ठीक है जी? अब हमने इसी वाले इक्वेशन को ड्रैग कर लेना नीचे, यहां से लेके ये नीचे यहां तक ड्रैग कर लेंगे, और ये एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि इसमें एम और बी की वैल्यू दी ही नहीं, कुछ इसमें यहाँ पे एम और बी की वैल्यूज ऐड नहीं की, ठीक है? तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि इस पूरे को नीचे इसको भी खींच लें, अब आगे इनकी वैल्यूज भी, और ये उसने कैलकुलेट कर दिया। जब 60 था तो 60.1 का, जब 30 कंसंट्रेशन है तो ये यही वाला कैलिब्रेशन कर्व उसी एरिया को यूज करके इसको 29.6 कैलकुलेट कर रहा है। इसी तरह जब 10 मिलीग्राम थी तो इसको 10.5 कैलकुलेट कर रहा है, जब 1 थी तो 0.9 कैलकुलेट कर रहा है, 0.5 थी तो 0.4 कर रहा है, 0.4 समथिंग होगा आगे, ये थोड़ा सा 0.431 है। अब ये परसेंटेज आ रही है 100%, 98, 105, 94.5, 86.1 और 58.2। अब अगर हम उसी जगह पे जाएं कि ये वाली अगर हम खोलें, द बैक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड शुड बी विद इन प्लस माइनस 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू वो है कि जो आपने ऐड की हुई। अब इस बात की शायद आपको समझ आए कि प्लस माइनस 15% तक होनी चाहिए इसकी। यहाँ पे कितनी है, ये प्लस माइनस 0.2% है, ये दूसरे वाली जो है ये 98.6 मीन के प्लस, ये माइनस 1.4% है, ये 5.3% है, ये माइनस 13.9% है, ठीक है? यानी यहां तक तो ये प्लस माइनस 15% के अंदर अंदर आ रहा है। मैं बैटरी लगा लूं, अच्छा ठीक है जी। लेकिन जो आखिरी वाला है, सबसे नीचे वाली कंसंट्रेशन, ये 58.2% है, तो ये बहुत ही कम है। अब ये यहां तक तो ये 15% के अंदर अंदर ही वैल्यूज है सारी, या ज्यादा है या कम है, ये 15% से नीचे बाहर चला गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, ये इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है? इसी तरह अगले वाला कैलिब्रेशन कर प्लॉट करें, अगर हम उसको भी जस्ट फॉर, ये भी सेशन खत्म होने वाला, शायद 10 मिनट रह गए हैं, तो इसको जल्दी से ये वाले दो मैं कर देता हूँ, पहले वाले इसको दोबारा एक दफा देख लें आप। इसको आपने इंसर्ट करना है, ये प्लॉट करना है इसको, ठीक है? और फिर इसके ऊपर आपने इसकी एड ट्रेंड लाइन, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू। अब ये इस केस में वाई की वैल्यू, एम की वैल्यू जो है वो है 9313, बी की वैल्यू है 167.53,
और ये वाली वैल्यू हमने वही वाली फार्मूला या इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर लें। अब इसने 60.4 बताई है इस वाले डाटा में, ठीक है। तो इन सबको अगर हम नीचे ड्रैग कर लें तो ये कंसंट्रेशन इस केस में अगर आप देखें तो सारी की सारी वैल्यूज बड़ी एक्सेप्टेबल है। ये 100% 96% 105 103 100% 99.5% सारी की सारी वैल्यूज विद इन प्लस माइनस 15% आई, ठीक है। पहले वाले में से एक वैल्यू उसके बाहर चली गई, ये हमने दो कैलिब्रेशन कर प्लॉट किए, ठीक है। इसी तरह बाकी के जो तीन डाटा सेट्स हैं ये मैं आपको अभी ये वाली फाइल सेंड कर देता हूँ, उसके ऊपर एक्सेल पे भेज दूँ या स्काइप सॉरी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे भेज दूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, क्या ख्याल है? व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं या फेसबुक पे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहां से आपने ये इसको डाउनलोड करें और उसके बाद आप जो है ये बाकी तीन वाली कैलकुलेशंस आपने इसी तरह खुद करनी है, ठीक है। और फिर आपने ये देखना है जो जो वैल्यू इस आपकी एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया से बाहर आ रही है, प्लस माइनस 15% से बाहर आ रही है, उसको आपने इस तरह रेड हाईलाइट कर देना है, ठीक। तो ये करके तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें, ठीक है। अब ये सेशन टाइम आउट हो रहा है और इसके बाद आपका लेक्चर भी है 2 बजे, तो आज आपका होमवर्क यही है कि आपने बैक कैलकुलेशन करनी है बाकी तीन डाटा सेट्स, ठीक है सर। इसको कॉपी पे भी लिखना है? इसको कॉपी पे लिखना है बिल्कुल, ठीक है ना। इसको कॉपी पे लिख लें इस तरह, या फिर ये जो आप बना लेंगे ना तो इसी के आप प्रिंट आउट लेके एक ही पेज के ऊपर आप उसको एडजस्ट करके तो उसका प्रिंट आउट लेके तो आप उसको कर लें, कॉपी में पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो okay, हमें आज के लिए इतना काफी, असल में जो कैलकुलेशन हमने करनी थी उसके ऊपर अब आगे हमने फर्दर स्टेप लगाए, ठीक है ना, कि एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है इसमें। अभी तो हमने सिंगल सिंगल कैलिब्रेशन कर्व का ना, फिर हम इन पांच के ऊपर उनका फिर स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, फिर उनका आरएसडी वैल्यू देखेंगे और उसमें देखेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है हमारे लिए। तो उसमें जो बेसिकली जो एंड पे शायद लाइन थी वो यही है कि टोटल हमने अगर 10 यूज की है, ये कौन छुट्टी मांग रहा है यार, ये ऑप्शन कैसे खत्म हो सकती है यार, प्लीज इस तरह नहीं करो आप, ये मुझे नजर आना बंद हो गया, ठीक है। तो चले बहरहाल अभी आपको होमवर्क समझ आ गया, ये मैं शेयर कर लेता हूँ फेसबुक पे, और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो शायद मैंने लगाई नहीं, मैं देखता हूँ शायद लगी होगा, हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा चले ठीक है, फिर इसको जो है ना वो इधर ही खत्म करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग भी और ये जो है वो एक्सेल की फाइल भी, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर आपने वर्किंग करके तो कॉपी में लगाना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आया तो पूछ लें, फिर इसको खत्म करें। सही, डेटा सेट डिफरेंट मेथड से आए हुए हैं। ये डेटा सेट एक्चुअल डेटा सेट है, ठीक है ना, यानी ये वो डेटा सेट है जो कि स्टडी किसी ने की हुई है और उसने ये वाली कंसल्टेशन बना के एचपीएलसी पे रन किया था और ये पीक एरिया सबका उसमें लगाया हुआ है, ठीक है एचपीएलसी। तो ये 6 कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है, उनके 5 डिफरेंट सेट बनाए थे उसने, ठीक है। ये बेसिकली मेरा अपना काम है पीएचडी का, तो उसमें से मैंने डाटा ले लिया क्योंकि मेरे लिए सबसे आसान वही था कि उसी को मैं एक्सेस कर लूँ, और वो वैलिडेटेड डाटा है तो उसको समझाना भी आसान होगा। अगर तो ये 5 दफा 5, ये ऐसा नहीं है कि एक डाटा से एक 6 सैंपल बना लिए और उनको 5 दफा रन किया, ये 5 दफा बनाए गए हैं डिफरेंट, ठीक है। यानी 60 मिलीग्राम वाले 5 सैंपल बने हैं, 30 वाले भी 5 सैंपल बने और उनको फिर सबको 1 by 1 रन किया गया और कैलिब्रेशन का प्लॉट किया गया और उस पर फिर रिजल्ट जो है वो लिए गए, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चले ठीक है, फिर मैं ये इसको बंद कर रहा हूँ अभी, तो थोड़ी देर तक मैं फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ दोनों चीज़ें, आज का लेक्चर भी, ये वाला सेशन भी और एक्सेल की शीट भी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।